नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ पवन जी हैं जो पिछले 12 सालों से लगभग डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं। जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रेन सिंह जी का पवन जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। अब 12 सालों से लगभग डेरा सच्चा सौदा के साथ, सर कैसा माहौल लगता है आपको डेरा सच्चा सौदा? डेरा का एकदम अच्छा माहौल। डेरा में सभी अलग अलग रहते हैं, जैसे कि बहनें अलग रहती हैं, भाई अलग रहते हैं, बात नहीं है। बेटियों की सुरक्षा, मतलब लड़कियों की सुरक्षा कैसी रहती है सर? सुरक्षा ठीक है सर, लेकिन 3-4 साल पहले मीडिया में बहुत ही अलग दिखाया जा रहा था, आपका क्या कहना है जो मीडिया में खबरें? सच क्या है फिर एक्चुअली में? गुरुजी का रोल क्या है समाज के लिए? गुरुजी का रोल तो ये है कि मानवता भलाई के कार्य उन्होंने चला रखे हैं। लगभग आई थिंक 133 मानवता भलाई के कार्य हैं मेरे हिसाब से, और ज्यादा होंगे तो मुझे पता नहीं है, वैसे ज्यादा होंगे। क्या काम किए हैं सर उन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए? समाज के लिए मतलब बहुत सारे काम किए, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, लगाते हैं मुफ्त जो कि हमारा शरीर सोचता है ब्लड ब्लड देके, और बहुत सारे मतलब गरीबों को घर बना के देना है, और मेरे वो घर हो गया। सर आप क्यों जुड़े हुए हो? मतलब आप आजकल नौजवान का इंटरेस्ट सत्संग वगैरह में इतना नहीं रहता है, तो आप क्यों जाते हो उनके सत्संग में? क्या ऐसा आपको अच्छा लगता है वहाँ पर? अच्छा डेरे का ये लगता है कि वहाँ का पहली बात तो माहौल बहुत अच्छा है डेरे का, क्योंकि दुनियादारी से बहुत अलग है, और दूसरी चीज़ ये है कि पिताजी हमारे हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बुरी चीज़ सिखाते नहीं हैं। कोई गलत आज तक उन्होंने ऐसी बात कोई ना तो कही है, ना ही वो सिखाते हैं कि आप भाई वो चीज़ गलत है, वो चीज़ को करो। तो सबसे पहले बात तो यही है हमारी, और दूसरी बात यह है कि हम उनके कहे बच्चों पर चल रहे हैं, उनके बताए बच्चों को मानते हैं, नशे वसे से भी हम दूर रहते हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए। जो सर आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आरोप सारे सारे झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। क्यों सर, मतलब उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? झूठे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि मीडिया TRP की वजह से लगाए जा रहे हैं। मीडिया को तो ऐसे ही कोई झूठी न्यूज़ चाहिए उन्हें, तो वायरल करनी हो तो उन्हें TRP बढ़ जाए, उनका तो यही मकसद रहता है, टारगेट तो उनका यही है कि TRP बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा TRP बढ़ जाएगी उतना अच्छा है अपने चैनल का। क्या सर आज उनकी ज़रूरत है समाज को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना जल्द से जल्द आ जाए तो हमारी तो यही उम्मीद है, हमारी होप तो यही है कि पिताजी जितने जल्द से जल्द आ जाए अपने युद्ध के सामने आपके सामने, बहुत अच्छा। क्या अपील करोगे सर सरकार से? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो पिताजी को बाहर निकालें, क्योंकि झूठे आदमी को फंसाना अच्छा होता है, मगर बेबुनियाद तब हो जाता है कि जब तुम किसी शरीफ आदमी को, सच्चे आदमी को, सज्जन आदमी को फंसाओ, जिसने कि मानव का भलाई कितने सारे कार्य चला रखे हैं, उन चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भी हमारा जो कानून है, अदालत ने उनको भी देखना चाहिए इस चीज़ को कि जो आदमी इतने मानवता भलाई के कार्य कर सकता है, इतने सारे मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, और जनता को हमारे सेवार्थ हैं उनको नशे से दूर रखा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए सरकार को, अदालत को इस चीज़ को गौर देना चाहिए विशेष रूप से, कैसे सज्जन आदमी को फंसाना बेकार। सर आप समाज के लोगों को क्या बताओगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो अलग ही इमेज गुरुजी को लेकर बनी हुई है जो मीडिया में दिखाया जा रहा था? मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो तो गलत ही है, बाकी जो नॉन सत्संगी है वो तो उस चीज़ को गलत ही कहेगा, जो जिस चीज़ को मानता नहीं है, जानता नहीं है, वो तो गलत ही बोलेगा, जाहिर सी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रेन सिंह चिंसा का। लगातार जो नौजवान लोग भी हैं वो भी सामने आकर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया गया। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत